गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं कैरियर ग्लोज यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से निकाली गई जॉब वैकेंसीज के बारे में। हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट किया गया है। वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आउट की गई है। टोटल कितनी वैकेंसी रहने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए वीडियो को एंड तक वॉच करें। सारा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है चैनल पर ऑफिशियल नोटिस के साथ में। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए करते हैं इस अपडेट को शुरू। ऑफिशियल नोटिस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला की तरफ से निकाला गया ऑफिशियल नोटिस है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पे देख पाएंगे। ओपनिंग डेट जो रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की 14/9/2022 आज से आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। क्लोजिंग डेट इसमें रहने वाली है 14/10/2022। 1 मंथ आपके पास में पड़ा है तो अभी आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे प्रोटोकॉल ऑफिसर की रहेगी क्लास 3 की। टोटल वैकेंसीज इसमें 4 रखी गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी रहने वाली है। इसमें आपका जो वो आपका क्लियर कट आपको दिया गया है, जो आपकी वैकेंसी रखी गई हैं वो आपकी अंडर रिजर्व के लिए रहेंगी। चंबा में एक रहेगी, कांगड़ा में एक, कुल्लू में एक, शिमला में एक आपकी यहाँ पे रहने वाली है। बाकी आपको जो पे स्केल दिया जाएगा वो आपका यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे 2400 आपका रहेगा। RS ग्रेड पे आपका यहाँ पे 2400 का दिया गया है। बाकी जो भी आपके वेजेस रहेंगे वो आपके एज फिक्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो भी आपके फिक्स किए जाते हैं वो आपके रहने वाले हैं। उसके अलावा ग्रेजुएशन आपकी यहाँ पे मांगी गई है। उसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है 1.5 ऑफ द फूड बेवरेज का तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें क्लर्क की वैकेंसी रहने वाली है। सबसे ज्यादा इसी की पोस्ट रहेंगी क्लास 3 में, 169 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। इसमें आपकी जो वो रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी रहेंगी 83 आपकी यहाँ पे जो वैकेंसी रहने वाली है जो कि आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे आपके लिए दी गई है। बाकी यहाँ पे जो वो बाकी अनरिजर्व के लिए 39 दी गई है, 14 आपकी SC के लिए, 3 आपकी ST के लिए, 16 OBC EWS कैटेगरीज के लिए भी रखी गई है। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए रखी गई है वो आपकी 86 रहेंगी, 83 आपकी रेगुलर बेसिस पे रहेंगी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वालों के लिए भी आपका यहाँ पे जो देख पाएंगे इसमें रेगुलर बेसिस पे आपका पे स्केल जो रहेगा वो 1900 का ग्रेड पे रहेगा एंड जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा जो भी आपके गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे डिसाइड किया जाता है वो आपका यहाँ पे रहने वाला है। इसमें भी आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है, ग्रेजुएशन आपने कर रखी है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो आपकी वैकेंसीज का ब्रेकअप किया गया है, बिलासपुर में आपकी यहाँ पे रेगुलर की 9 रहेंगी, कॉन्ट्रैक्ट की 6 रहेंगी, चंबा के लिए रेगुलर की 6 रहेंगी, कॉन्ट्रैक्ट की 9 रहेंगी, हमीरपुर के लिए रेगुलर की 1 रखी गई है, कांगड़ा के लिए 27 पोस्ट रहेंगी जो कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाली है, किन्नौर के लिए 1 रहेंगी, कुल्लू के लिए 5, कॉन्ट्रैक्ट के लिए 11 यहाँ पे रहेंगी। बाकी मंडी के लिए 12 पोस्ट रखी गई हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट में 20 रहेंगी, शिमला के लिए 17 रेगुलर में रहेंगी, कॉन्ट्रैक्ट में 6 रहेंगी, सिरमौर के लिए 10 रेगुलर रहेंगी, 4 आपकी कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगी, सोलन के लिए आपकी रेगुलर 11 रहेंगी, कॉन्ट्रैक्ट में 4 रहेंगी, ऊना के लिए 11 आपकी रेगुलर रहेंगी एंड 2 यहाँ पे जो आपकी रखी गई हैं वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखी गई हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पे IT के लिए जो यहाँ पे वैकेंसी रखी गई हैं वो 3 रखी गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेंगी जो कि आपका यहाँ पे स्केल जो आपका रखा गया है वो 1950 का ग्रेड पे आपका रहेगा। इसमें BE/BTEC आपकी मांगी गई है, या तो आपने 12th पास कर रखी है प्लस BCA कर रखी है, अप्लाई कर सकते हैं। ITI का डिप्लोमा आपका होना चाहिए तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट आपकी पोस्ट रहेगी प्रोसेस सर्वर की, यहाँ पे 77 पोस्ट रखी गई है, इसमें भी आप चेक कर सकते हैं ग्रेड पे आपको यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी 12th पास यहाँ पे कैंडिडेट जो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे भी आपके लिए जो वैकेंसी रखी गई है वो आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वैकेंसीज का देख सकते हैं। PN के लिए जो वैकेंसी रखी गई है 94 रहेंगी, ऑर्डिनरी चौकीदार, PN कम चौकीदार। उसके अलावा यहाँ पे भी 12th पास मार्क की मांगी गई है, बाकी ग्रेड पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी आप वैकेंसीज का जो ब्रेकअप देख सकते हैं। माली के लिए 3 पोस्ट रहेंगी, इसमें आपका जो मेट्रिकुलेशन मांगा गया है मेट्रिकुलेशन आपने कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेनोग्राफर की रहेगी, इसमें आपकी 90 पोस्ट रहेंगी स्टेनोग्राफर के लिए, इसमें भी आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है, ग्रेजुएशन कर रखी है, अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में आपका टाइपिंग स्पीड भी यहां पे मांगा गया है। बाकी यहां पे रेगुलर के लिए यहां पे 43 वैकेंसी रखी गई है एंड आपकी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो रहेंगी 47 रहेगी। वैकेंसी का ब्रेकअप देख सकते हैं, ड्राइवर के लिए 4 वैकेंसी रहेंगी, 10th पास वाले अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे। सारी वैकेंसी का डिटेल मैंने आपको बता दी है। बाकी उसके अलावा हम यहाँ पे बात करें
जो यहाँ पे आपका फॉर्म को अप्लाई करने का प्रोसेस रहने वाला है वो ऑनलाइन मोड से रहेगा, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्टली वहां से अप्लाई कर पाएंगे। एंड इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो आपका यहाँ पे जो फॉर्म को अप्लाई करने के बाद में आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रहता है वो यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट रहेगा, रिटन टेस्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। एंड अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है 340 रुपीज रहेगी प्लस GST चार्ज, एंड जनरल EWS रिजर्व कैटेगरी के लिए रखी गई है, बाकी OBC वालों के लिए यहाँ पे जो 190 रुपीज रहेगी ऑल अदर रिजर्व कैटेगरीज के लिए। इसका भी ऑनलाइन मोड से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एंड ऑनलाइन मोड से ही अपनी पेमेंट जो आप कर पाएंगे। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट रहने वाला है, रिटन टेस्ट के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जा रहा है। इसमें स्टार्टिंग डेट 14/10 आपकी सॉरी यहाँ पे लास्ट डेट जो 14/10/2022 दी गई है उस तब तक आप जो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आप यहाँ पे देख पाएंगे टेस्ट ऑफ क्लर्क जो आपका रहेगा वो आपका यहाँ पे सेम टाइम आपका सेम डे पे आपका रहने वाला है, मॉर्निंग में एंड इवनिंग सेशन में आपका रहेगा क्लर्क का एंड प्रोसेस सर्वर का, ये सर सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी गई हैं। बाकी उसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपके साथ मैंने डिस्कस कर दी हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए, डेली ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है चैनल पर ऑफिशियल नोटिस के साथ में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।